हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो एसएससी ने कट ऑफ डिक्लेयर किया था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर थ्री 2017 का 9 मई 2019 को ये डिक्लेयर हुआ था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से आपको बताया था कि अलग अलग पोस्ट के लिए इसका कितना कट ऑफ रहा है और कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ने टायर थ्री कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 को क्लियर किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2017 टायर टू का जो 10 मई 2019 को कट ऑफ डिक्लेयर हुआ था, और अब इसके आज आप लेटेस्ट अपडेट देख पा रहे हैं यहां पे एसएससी की तरफ से आ रहा है। अब इसके जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के, जिन स्टूडेंट्स ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर थ्री और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टायर टू का 2017 का एग्जाम दिया था, वो अब अपने लॉग इन करके अपने मार्क्स जो है वो देख सकते हैं, जो उन्होंने टायर थ्री में स्कोर किए थे और टायर टू में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में स्कोर किए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आप अपने मार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं, जो आपने सीजीएल टायर थ्री 2017 का एग्जाम दिया था और जिन स्टूडेंट्स ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टायर टू का एग्जाम दिया था 2017 में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपको कट ऑफ की लिस्ट मिलेगी वो आपको डायरेक्टली यहां पे सीएचएसएल की 2017 की भी मिल जाएगी और सीजीएल एग्जामिनेशन 2017 टायर टू की भी आपको यहां पे लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो अब मैं आपको इसकी लिस्ट बता देता हूं कि टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में टायर टू में क्वालिफाई किया था और उनको स्किल के लिए बुला दिया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जो एसएससी ने 13 मई 2019 यानी कि आज इसका जो ऑफिशियल नोटिस निकाला है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टायर टू का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2017 का, इसके जो मार्क्स अपलोडेड जो आप चेक कर सकते हैं वो 13 मई से लेके यानी कि आज से लेके 12 जून 2019 तक अवेलेबल रहेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी सीएचएसएल टायर टू का एग्जाम दिया था और स्किल के लिए उनको क्वालिफाई कर दिया गया है 2017 का, तो वो जल्दी से देख लेंगे कैसे इसके मार्क्स को चेक करना है। अब मैं आपको सीएचएसएल का यहां पे दिखा देता हूं कि कितना इसका कट ऑफ जो है वो गया था। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए सीएचएसएल में अलग अलग कट ऑफ रहा है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो टोटल यहां पे 33,960 यहां पे स्टूडेंट्स जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया है लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, और भी यहां पे आप पोस्टें देख सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का भी आप यहां पे देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ गया है 2017 टायर थ्री का। तो यहां पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सीजीएल टायर थ्री में क्वालिफाई हुआ है 2017 में, वो टोटल यहाँ पे 33,990 कैंडिडेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि टायर थ्री में क्वालिफाई हो गए हैं सीजीएल टायर थ्री 2017 में। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि सीजीएल और सीएचएसएल 2017 का आप कैसे अपने मार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं। यहां पे आप एग्जामिनेशन करके सिलेक्ट कर सकते हैं आपने कौन सा एग्जाम दिया था, सीजीएल का दिया था या फिर सीएचएसएल का। अगर आपने सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 टायर थ्री का जो एग्जाम दिया था और उसके मार्क्स आपने चेक करने हैं तो आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सीएचएसएल लेवल टायर टू का एग्जाम दिया था 2017 का, तो आप यहां पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड यहां पे डालेंगे और सही से कैप्चर डाल के यहां पे कर देंगे सबमिट। तो फ्रेंड्स, यहां पे सबमिट करने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने सीएचएसएल टायर टू का एग्जाम दिया था वो अपने कंप्लीट यहां पे मार्क्स देख सकते हैं, जो उन्होंने पेपर दिया था टायर टू का। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाले स्टूडेंट्स में अपने टायर थ्री का जो मार्क्स जो है वो देख सकते हैं, जो उन्होंने टायर थ्री का एग्जाम दिया था। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने जो मार्क्स है वो चेक कर सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2017 टायर टू के और ऐसे ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर थ्री के। दोनों का लिंक जो है यहां पे चेक करने का वो सेम है, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहां से आप सक्सेसफुली यहां पर अपनी सारी लॉग इन डिटेल्स डाल के यहां पर सबमिट करके अपने मार्क्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहां पर सीजीएल या फिर सीएचएसएल 2017 के मार्क्स देखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे विद इन सेकंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपको जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहे। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।